शहर के सीवरेज लाइन सफाई में सक्शन कम जेटिंग मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेहरू नगर चौक के पास सीवरेज लाइन जाम होने की सूचना पर मशीन इसे क्लियर करने पहुंची थी। महज आधे घंटे के भीतर सीवरेज लाइन को क्लियर कर दिया गया तथा सफाई के चलते आसपास के सीवरेज लाइन भी क्लियर हो गए। नए सक्शन कम जेटिंग मशीन के आ जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इसके चलते राहत की सांस ली है। अन्यथा मैन्युअली कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना स्वास्थ्य कर्मियों को करना पड़ता था और समय भी अधिक लगता था। मेन पावर से मल जल को निकालना आसान कार्य नहीं होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सक्शन कम जेटिंग मशीन काफी उपयोगी साबित हो रही है। इसके आने से घंटों का कार्य मिनटों में हो जा रहा है। इसी के साथ शहर की सफाई व्यवस्था देखने आयुक्त प्रकाश सर्वे सुबह प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम एवं विद्या विहार कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने छोटे छोटे नालियों को बारिश पूर्व अच्छी तरीके से सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, छोटे छोटे नालियों को भी ध्यान देकर इन्हें सफाई करना आवश्यक है। छोटी नालियों की कनेक्टिविटी बड़े नालों में जाकर मिलती है, इसलिए ऐसी नालियों की सफाई सघनता से करें। देखिए, सक्शन कम जेटिंग मशीन जो है एक हाईटेक मशीन है और अत्याधुनिक जो ये मशीन है उसका दो तीन पर्पस पे काम करता है। एक्चुअली ये तो जेटिंग का काम करता ही है, इसके अलावा इसमें सक्शन के पंप भी लगे हुए होते हैं और दूसरे ब्लोअर का भी काम करता है। तो कहीं पे जैसे ये ऐसा सीवरेज लाइन है वो वहाँ पर में यदि सीवरेज लाइन को क्लियर करना है तो उसके लिए बड़ा कम कहना जाए तो मिनटों में ये जो है क्लियर कर देता है। इसकी जो पावर है वो उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। सक्शन कम जेटिंग मशीन का जो मल्टीपर्पस जो उपयोग है, जनरली सीवरेज लाइन को क्लियर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पाइपलाइन को ये मज आधा घंटा में खाली कर देता है और यदि कोई ऐसा कचरा जाम ऐसा फंस गया है उसमें तो फ्लो के माध्यम से जो है ब्लोअर के माध्यम से प्रेशर के साथ पानी देकर उसको क्लियर करने का काम करता है। इसमें कुछ ऐसे 6000 लीटर के टैंक हैं और 3000 लीटर के और टैंक हैं, मतलब दो टैंक के पार्ट में एक सक्शन कम जेटिंग मशीन बना हुआ है। एक तो जो सक्शन पंप का काम करता है ये, और दूसरा जो है वो ब्लोअर का काम करता है वो। तो ये दोनों जो है हाईटेक मशीन आने से जो मैनुअली स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको दिक्कतें कम हुई हैं, क्योंकि मल जल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो गंदगी है, उसमें कोई जाना नहीं चाहता है, पहला चीज़। दूसरा, मैनुअली काम करने में बहुत टाइम लगता था, तो इन सब चीज़ों से बचाव मिला है। आयुक्त महोदय ने जो है मॉर्निंग विजिट के दौरान में सक्शन कम जेटिंग मशीन का निरीक्षण किया, उन्होंने उसकी कार्यप्रणाली देखी और खड़े होकर के ये देखा कि ये सीवरेज लाइन जो क्लियर किया जा रहा था वो हुआ कि नहीं हुआ और कितना इसमें समय लग रहा है। तो उन्होंने पाया कि मैनुअली काम करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, अभी सक्शन कम जेटिंग मशीन आने से जो है ऐसे सीवरेज लाइन को क्लियर करने के लिए काफ़ी कुछ हद तक जो है वो स्पीड अप काम हो रहा है। हमारे यहाँ 3 सक्शन कम जेटिंग मशीन जो है वो है, इसके अलावा हमारे पास में ओनली सक्शन पंप मशीन है। पहले हमारे पास सक्शन पंप मशीनें हुई करती थी जिसमें केवल जो है वो खींचने का काम करता था, लेकिन अभी हमारे पास में कचरा निकालने के लिए और मल जल को क्लियर करने के लिए ऐसी हाईटेक मशीनें जो है सक्शन पंप जेटिंग मशीन के माध्यम से। महापौर नीरज पाल ने भी सक्शन कम जेटिंग मशीन की कार्यप्रणाली देखी। नगरपालिक निगम भिलाई में हाईटेक सक्शन यूनिट मौजूद है जो कि अलग अलग प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता है। पहले की सक्शन यूनिट की मशीनें केवल शौचालय की टंकियों को साफ करने का कार्य करती थी, परंतु मल्टीपर्पज सक्शन कम जेटिंग मशीन के आने से यह सक्शन यूनिट शौचालय की टंकियों को साफ करने के अलावा कहीं पर फंसे हुए कचरे को भी प्रेशर के साथ हटाने का काम कर सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।